आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे स्थिर अनुपात के नियम के बारे में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये क्या होता है। तो जो प्रत्येक पदार्थ है, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया, मतलब कोई भी पदार्थ है उसको चाहे किसी भी मेथड से बनाया गया हो, उसका जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित होता है। उसका जो रासायनिक जो उसका बनावट है, मतलब जो उसमें चीज़ें मिली हुई, जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है, तो वो निश्चित होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके जो भार के अनुसार जो इनका अनुपात होता है, वजन के अनुसार इनका जो अनुपात होता है, तो 3:8 होता है, यानी 3 जो कार्बन है और 8 ऑक्सीजन है, ये इनका रेशियो। अब कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे कार्बन को जला करके बनाया जाए या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाया गया हो, लेकिन इनका जो अनुपात है वो यही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, यानी इसका जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं।